सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर वन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो ये चैप्टर बेसिकली बेस्ड है किसके ऊपर, हमारी इकोनॉमी जो कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उसके पहले की इकोनॉमी हमारी कैसे थी, एंड ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को कैसे एक्सप्लॉइट किया। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी में ब्रिटिशर्स जो आए वो कब से आए और कब से उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया। सो जो हमारी इकोनॉमी में ब्रिटिशर्स आए थे वो आए थे 1757 में, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, सो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। उसके बाद में हमारी इकोनॉमी को इंडिपेंडेंस मिली थी अराउंड आफ्टर 200 ईयर्स, कब, 15 अगस्त 1947 में। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को पूरी तरह एक्सप्लॉइट कर दिया, एंड ब्रिटिशर्स ने हमारी ही कंट्री को भी एक्सप्लॉइट किया। क्योंकि बेसिकली हमारी कंट्री को सोने की चिड़िया माना जाता था, जैसा कि आपको मात पता है हमारी कंट्रीज में कुछ भी रिसोर्सेज की प्रॉब्लम नहीं थी। हमारी कंट्री जो थी वो पूरी प्रॉस्परस इकनॉमी थी। ठीक है, एंड कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसमें हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे। ठीक है, तो हम लोग पूरी सेल्फ डिपेंडेंट थे, प्रॉस्परस थे। ठीक है, अपने ऊपर डिपेंडेंट थे, खुद के ऊपर। ठीक है, नाउ पर्पस क्या था ब्रिटिश का? पर्पस ये था कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसको वो एक मार्केट बनाना चाहते थे। कैसा मार्केट? जहाँ पे वो रॉ जहाँ से वो रॉ मटेरियल ख़रीद सके। जैसे मान लो ये ब्रिटिश है, ये इंडिया है, इंडिया से वो लेके जाते थे क्या रॉ मटेरियल, है ना, और यहाँ पे इसको मैन्युफैक्चर करके एंड इंडिया में वापस आके बेच देते थे एट हायर प्राइसेस। सो इंडिया से रॉ मटेरियल चीपर प्राइसेस में वो ले जाते थे एंड वापस आके बेच देते थे हायर प्राइसेस में। सो यहाँ पे जो है उनकी कंट्री में जो भी वेल्थ है वो आती जा रही थी। ठीक है, तो इस तरह से उन लोगों ने हमारी कंट्री को क्या किया, एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। उसके बाद में देखो हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी बिफोर द ब्रिटिश रूल। तो बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वॉज प्रॉस्परस, एग्रेरियन एंड वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। सो हमारी इकोनॉमी में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पहले बहुत ज़्यादा चलती थी, जैसे कि आप लोगों को पता होगा अगर कि हैंडीक्राफ्ट जो वर्क होता था हमारी इकोनॉमी में वो बहुत ज़्यादा होता था। बेसिकली इन द एरियाज ऑफ जयपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब एरियाज़ में आप लोगों को हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी बिफोर दी ब्रिटिश रूल। ठीक है, अभी भी आपको जो हैंडीक्राफ्ट वर्क्स है ना वो ज़्यादा जयपुर में, मध्य प्रदेश में एंड आपके जो नॉर्दर्न एरियाज हैं लाइक अरुणाचल प्रदेश वगैरह, वहाँ पे हिमाचल में आप लोगों को हैंडीक्राफ्ट वर्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या था, पहले जो हमारी इकोनॉमी में थी वो प्रॉस्परस थी, मतलब सेल्फ रिलायंट थी, सेल्फ डिपेंडेंट थी, किसी के सेल्फ इंडिपेंडेंट थी, किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं थी। ठीक है, एग्रेरियन इकोनॉमी थी, मतलब 2/3 पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। ठीक है, और वेल नोन थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, कॉलोनियलिज्म आया। कॉलोनियलिज्म मतलब इट रेफर्स टू अ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज वेयर वन इज़ रूलर एंड अनादर इज़ कॉलोनी। तो हमारी जो कंट्री थी वो कॉलोनी बन चुकी थी एंड जो रूलर थे वो कौन थे, वो हमारे ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, वो ब्रिटिशर्स थे। सो इंडिया वॉज दी कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, इंडिया वॉज दी कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सारे के सारे सेक्टर्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी कंट्री में लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम थी एंड पर कैपिटा इनकम थी। ठीक है, तो इसको किसने, सबसे पहले इसने बेसिकली इसको निकाला था, किसने जज किया था? तो देखो ब्रिटिशर्स को कोई लेना देना नहीं था हमारी कंट्री के नेशनल इनकम से। ठीक है, तो क्या हुआ था, जो दादाभाई नारोजी है, सॉरी दादाभाई नारोजी और आपके दो चार और लोग हैं जैसे विलियम डिग्बी। ठीक है, देन उसके बाद में आपका आरसी देसाई, देन आपका फिनले शिराज, वी के आर वी राव। ठीक है, तो ये पांच नाम है फेमस जिन्होंने कोशिश करी थी किसके लिए, नेशनल इनकम एस्टिमेट करने के लिए एंड पर कैपिटा इनकम एस्टिमेट करने का। तो इसमें से जो सबसे बेस्ट रिजल्ट्स थे वो किसने दिए थे, वो दिए थे
वी के आर वी राव ने, किसने, वी के आर वी राव ने, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो रियल जीडीपी है, जो रियल जीडीपी है, ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी, ये हमारा कितना है, लेस देन 2%, कितना है, लेस देन 2%, ये एमसीक्यू में आएगा। तो अगर आपके ऐसे ऑप्शन आ सकता है लेस देन 2%, मोर देन 2%, इक्वल टू 2%, और नन ऑफ दीज, सो आपको आंसर देना है लेस देन 2%। ठीक है, नाउ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटल इनकम कितनी बताई थी इन्होंने, 0.5% पर ईयर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अब डिफरेंट सेक्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला है एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या हुआ था, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें 85% ऑफ जो लोग थे वो किस पे डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, किस पे डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पे वो लोग डिपेंडेंट थे। अब ये देखो, स्टिल दिस सेक्टर वॉज स्टेगनेंट एंड नॉट सेटिस्फैक्ट्री, जो ये सेक्टर था वो अभी भी क्या था, स्टैगनेंट और नॉट सेटिस्फैक्ट्री था। ठीक है, तो और यहाँ पे जो हमारा मेन रीज़न था स्टैगनेशन का वो क्या था, देखो स्टैगनेशन का मतलब होता है पीछे छूटना, ठीक है, पीछे छूटना। तो स्टैगनेशन का मेन रीज़न क्या था, सबसे पहला तो हमारा आ जाता है यहाँ पे ये आपका आ जाता है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम ये था कि जो ज़मींदारी सिस्टम, अगर आप लोगों ने सुना हो तो, ठीक है, लगान पिक्चर में भी हुआ था ये, लगान पिक्चर में ज़मींदारी सिस्टम था जिसमें ज़मींदार क्या करते थे, रेंट कलेक्ट करते थे, क्या कलेक्ट करते थे, रेंट कलेक्ट करते थे, जिसको लगान भी बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, तो टिलर्स से ये लोग रेंट कलेक्ट करते थे, टिलर्स ऑफ सॉइल मतलब जो मालिक थे जो उधर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उनसे रेंट कलेक्ट करते थे और ब्रिटिशर्स को देते थे। तो बेसिकली इधर क्या हो गया था, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ किस तरह से हुआ था। यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल में चल रहा था ये काम, कैसे, देखो यहाँ पे जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने ज़मींदार को अपॉइंट कर दिया और ज़मींदार को बोला कि तुम इनसे किससे, टिलर्स से, शेयर क्रॉपर्स भी बोलते हैं जिन्हें, टिलर्स से तुम क्या लो, इंटरेस्ट लो या फिर रेंट लो, रेंट लेंगे ऐसे बोलना, रेंट लिया है, ठीक है ना, तो रेंट लो और मुझे तुम रेंट प्रोवाइड करो। तो यहाँ पे ज़मींदार इतने मासूम तो होते नहीं थे, ज़मींदार खुद का भी पैसा खाते थे। तो ज़मींदार, जैसे ब्रिटिशर्स ने बोला है कि आप 10% रेंट लाओ, तो ये ज़मींदार जो है वो 20% पहले से ही लेते थे, किससे, इनसे, टिलर्स से, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद में कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि जो फूड क्रॉप्स थी, उन्होंने बोला ब्रिटिशर्स ने कि फूड क्रॉप्स अब तुम ग्रो मत करो, अब कैश क्रॉप्स को करो जिसके कारण तुम्हें प्रॉफिट होगा। सो फूड क्रॉप्स से कैश क्रॉप पे शिफ्ट करना, इसको कमर्शियलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर द सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। अब देखो, जब कैश क्रॉप्स होती थी तो वहाँ पे हमें हायर प्रॉफिट्स होते थे, ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो कैश क्रॉप्स होती थी वहाँ पे वो हायर प्रॉफिट्स होते थे। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स को फोर्स किया था कि तुम लोग क्या ग्रो करो, तुम लोग कैश क्रॉप्स ग्रो करो। उसके बाद में लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एक पॉइंट आ जाता है, ये भी हमारा कॉज था किसका, स्टैगनेशन का, फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर का, एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टैगनेशन और लो प्रोडक्टिविटी का रीज़न क्या था, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी मतलब पर यूनिट जो ग्रोथ हो रही थी ना वो बहुत कम थी। क्यों, क्योंकि हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी प्रॉपर, हमारे पास में इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, जिसके कारण क्या हो रहा था, लो प्रोडक्टिविटी हो रही थी। ऑल्सो हमारे पास में रिसोर्सेज की भी कमी थी, ठीक है, एंड स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी था, इन्वेस्टमेंट की भी कमी थी, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो अपने इतने सारा पैसा जो है इन्वेस्ट करे और हमारा जो फार्मिंग है वो अच्छे से अच्छे कर पाए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ पार्टीशन। सो यहाँ देखो क्या हुआ,
इंडिया फेस्ड अ सेटबैक इन एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू ईस्ट पाकिस्तान, हाईली इरीगेटेड एंड फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान। अब देखो यहाँ पे जो पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, वहाँ पे क्या हुआ, जो पाकिस्तान है उसमें सारा का सारा जो फर्टाइल लैंड है वो चला गया। यानी इंडिया में जो एग्रीकल्चर था, इंडिया में जो एग्रीकल्चर था उसका जो फर्टाइल लैंड का पोर्शन था ना ज़्यादातर, वो कहाँ चला गया, चला गया हमारा पाकिस्तान वाले एरिया में जब पार्टीशन हुआ। ठीक है, इसके कारण भी क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर इसका स्टैग्नेशन देखने को मिला, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी देखने को मिली। फिर हमारा आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ था, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिकली इसमें क्या था कि इंडिया जो है वॉज नॉट एबल टू बिल्ड द इंडस्ट्रियल बेस, इंडिया जो है वो अपना इंडस्ट्रियल बेस नहीं बना पाई थी। ठीक है, जो रूल था ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का, इट लेड टू दी कोलैप्स ऑफ इंडियाज़ वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ था, डिक्लाइन हुआ था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, सॉरी ये क्या हो गया है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ था, डिक्लाइन हुआ था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में। और प्राइमरी नेटिव वॉज टू फोल्ड, प्राइमरी मोटिव वॉज टू फोल्ड। सो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स का प्राइमरी मोटिव था वो दो टू फोल्ड था, दैट इज़ एक तो इंडिया को सप्लायर बनाना, सप्लायर फॉर प्रोवाइडिंग द चीप रॉ मटेरियल्स, एंड इंडिया को एक फ्लरिशिंग मार्केट बनाना टू सेल दी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन द ब्रिटेन। ठीक है, तो इंडिया से वो लोग रॉ मटेरियल ले जाते थे और वापस आके इंडियन मार्केट में ही, इंडियन कंज्यूमर मार्केट में ही सेल कर देते थे। और इंडिया को झक मार के ख़रीदना पड़ता था बिकॉज इंडिया में जो है वो सारी ये जो इंडस्ट्रीज है वो बंद हो गई थी, और ब्रिटिशर्स ने जो है वो टैक्स लगा दिए थे, उन्होंने एक डिफरेंस सॉरी डिफरेंट टैक्स पॉलिसी उन्होंने लगा दी थी, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था कि वो जो गुड्स ला रहे हैं उस पर वो लोग कम से कम टैक्स लगाते थे, और जो इंडिया में बिक रहे हैं ना उसमें वो ज़्यादा टैक्स लगा देते थे, जिससे वो महंगा पड़ता था। अब एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैल गई। ठीक है, और इम्पोर्ट होने लग गए फिनिश गुड्स, झक मार के इंडिया को ख़रीदना पड़ता था फिनिश गुड्स, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिया में तो बंद हो गई थी। अब कैपिटल गुड इंडस्ट्री भी हमारी कंट्री में नहीं थी, जिसके कारण हम कोई भी फर्दर जो है इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर पा रहे थे एंड प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। कैपिटल गुड इंडस्ट्री क्या होती है, जिससे मशीनरीज प्रोड्यूस होती है, टूल्स प्रोड्यूस होती है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज खोल सके और प्रोडक्शन कर सके। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कुछ भी एफर्ट नहीं डाला था कैपिटल इंडस्ट्री खोलने में, कैपिटल गुड इंडस्ट्री खोलने में। फिर 1907 में हमारे पास में आती है टिस्को। टिस्को आपने नाम सुना होगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, ये खुली 1907 में। ठीक है, अच्छा तो ये खुली, तो फिर इसके बाद में कुछ और फ्यू इंडस्ट्रीज खुलना शुरू हो गई, जैसे शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट, पेपर, ये सब का आई किसके बाद में, वर्ल्ड वॉर टू के बाद में। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कहाँ कब तक, लगभग 50 साल तक तो बिना इंडस्ट्री के जी रहे थे, तो सोच रहे हो ब्रिटेन में कितनी सारी वेल्थ ले गए वो लोग इंडिया की, समझ पा रहे हो। उसके बाद में लिमिटेड रूल ऑफ पब्लिक सेक्टर, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पे जो ब्रिटेन था उसने जो पब्लिक सेक्टर का रोल था वो बहुत लिमिट कर दिया था, मतलब रोल जो ब्रिटिशर्स का क्या था, केवल रेलवे सही करना, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, और आपका पोर्ट्स को सेटअप करना। इससे क्या हो रहा था, इससे ही केवल ये कुछ चीज़ें थी जिससे हमें इंडिया में बेनिफिट हुआ, बाकी वैसे ये चीज़ें भी इन्होंने क्या खुद के लिए बेनिफिट के लिए बनाई थी। देखो रेलवेज़ क्यों बनाए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली हो जाए और जो गुड्स सप्लाई हो रहे हैं और जो सेल हो रहे हैं मार्केट में वो अच्छे से ईजिली सेल हो पाए। ठीक है, पावर जनरेशन से भी उनका ही फ़ायदा हो रहा था, कम्युनिकेशन से भी उनका ही फ़ायदा हो रहा था, और पोर्ट्स इसलिए बनाए थे ताकि उनको चीपर कॉस्ट पे जो है ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। ठीक है,
उसके बाद में आता है लो कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा कम हो चुका था इंडिया के अंदर। उसके बाद में आता है फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फॉरेन ट्रेड का हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या था कि जो फॉरेन ट्रेड थी इसके ऊपर केवल मोनोपोली कंट्रोल था किसका, ब्रिटिश का, और मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेन ट्रेड वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। और फिर कुछ अलग कंट्रीज़ भी थी जैसे श्रीलंका, चाइना, ईरान। अच्छा, श्रीलंका का दूसरा नाम था सेलोन और ईरान का दूसरा नाम था पर्शिया, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक्सपोर्टर्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर्स ऑफ फिनिश गुड्स। वापस से वो टू फोल्ड मोटिव की बात हो रही है यहाँ पे भी। तो ये चीज़ तो आपको हर एक पॉइंट में लगभग देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रख लेना अच्छे से। उसके बाद में देखो यहाँ पे एक स्वेज कैनाल की ओपनिंग होती है। स्वेज कैनाल का क्या था फंडा, सबसे पहले क्या होता था, लगभग उन लोगों को कितना एरिया ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था, लगभग उन्हें कम से कम 12,000 कुछ माइल्स ट्रांसपोर्ट करके ले जाना पड़ता था, ठीक है। लेकिन स्वेज कैनाल के ओपनिंग के बाद में क्या हुआ, स्वेज कैनाल के ओपनिंग के बाद में लगभग वो 7,000 माइल्स ओनली उन्हें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, मतलब ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। तो स्वेज कैनाल से क्या हुआ, हमें और चीपर पड़ना पड़ गया, ठीक है। डायरेक्ट रूट बन गया बिटवीन दी इंडिया और ब्रिटेन, ठीक है। अफ्रीका घूमना नहीं पड़ता था, पहले क्या था देखो, जैसे ये अफ्रीका है ना, और यहाँ पे एशिया है, और ये हमारा यहाँ पे ब्रिटेन है। तो पहले क्या करना पड़ता था, यहाँ से लेकर पूरा अफ्रीका घूमते हुए ऐसे जाना पड़ता था। अब क्या किया, यहाँ से बीच में से कुछ खोल दिया और यहाँ से सीधा यहाँ पे पहुँच जाते, ठीक है। तो इतना भी सीधा नहीं था, आप लोग देख लेना, डायग्राम मिल जाएगा आपको, ये नेट पे देख लो चाहे बुक में भी देख लो, मिल जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ऑब्वियसली ड्रेन हुई थी इंडियन वेल्थ, ठीक है। हमें एक्सपोर्ट बना दिया था, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया था, इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बना दिया था, और बहुत ज़्यादा हायर प्राइसेस पे वो लोग बेच रहे थे। और जो अर्निंग्स थी एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल की, वो क्या, वो काई के लिए यूज़ कर रही थी, मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ वॉर, इम्पोर्ट द इनविजिबल आइटम्स, मीट द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। उसके बाद में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। देखो कुछ इम्पॉर्टेंट जो कमोडिटीज़ थी ना, जैसे फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, कैरोसिन, वो बहुत ही ज़्यादा कम अवेलेबल थी डोमेस्टिक मार्केट में। सो एक्सपोर्ट सरप्लस कोई भी फ्लो नहीं कर पा रहा था किसका, गोल्ड सिल्वर का इनटू द इंडिया, ठीक है। इंडिया में इस तरह का कोई भी फ्लो नहीं हो रहा था, ठीक है। रादर उनका जो पेमेंट था, जो पेमेंट्स थे वो यूज़ कर लेते थे कौन, ब्रिटेन, किसके लिए, वॉर पे, वॉर के एक्सपेंसेस के ऊपर, इंपोर्ट करने के लिए इनविजिबल आइटम्स का, और या फिर मीटिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है, ये क्लियर है। इसी बाद में आता है डेमोग्राफिक कंडीशन, इसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आएगा, आया था किसमें, 1921 में, 1921 ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। सो 1921 में क्या हुआ था, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आया था, ठीक है। फर्स्ट स्टेज थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, और सेकेंड स्टेज बिगैन आफ्टर दी 1921, ओके। सो क्वांटिटेटिव अप्रेजल ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग दी कॉलोनियल पीरियड। सो यहाँ पे क्या था, देखो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा एडवर्स कंडीशन में चल रहा था, जैसे बर्थ रेट ज़्यादा थी, डेथ रेट भी ज़्यादा थी, ठीक है। पहले क्या होता था ना, बर्थ रेट कितनी थी, बर्थ रेट थी हमारे पास में कितनी, 48, और डेथ रेट थी 40, मतलब हायर बर्थ रेट हायर डेथ रेट थी, ठीक है। और लो लिटरेसी रेट थी, लिटरेसी रेट कितनी थी, मात्र 16%, ठीक है। और वुमेन की कितनी थी इनमें से, 7% केवल, ठीक है। और पुअर हेल्थ फैसिलिटी थी, हेल्थ फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा पुअर थी, ठीक है। मोर्टैलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी, हाई मोर्टैलिटी रेट, तो पहले कितनी थी, 218, लेकिन अब है ना
ये कितनी हो गई, अब ये हो गई 33, 33 per 1000। पहले 218 per 1000 थी, अब 33 per 1000 हो गई। ये डेटा चेंज होता रहता है, आप लोग बुक्स में देख सकते हैं। अभी के लिए 2023 में ये 33 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी रेट भी कम थी किसकी, लाइफ की। तो यहाँ पे पहले कितनी थी, पहले थी ओनली 44 ईयर्स, वाइल अब जो है वो हो गई है ये 69 ईयर्स। अब हो गई है 69 ईयर्स, ठीक है। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी हर जगह पे, एक्सटेंसिव पॉवर्टी फैली हुई थी, ठीक है। फिर आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में क्या था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अमंग दी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, इसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। मतलब हमारी कंट्री का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किस तरह से था, वो हम इनमें एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 70-75% जो पीपल थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज थे, किसमें 70-75% पीपल, ठीक है। उसके बाद में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थे, मैन्युफैक्चरिंग केवल 10% और सर्विस सेक्टर अराउंड 15-20%। सो दिस वॉज द रेशियो एट दैट टाइम। फिर उसके बाद में रीजनल वेरिएशन वाला पॉइंट है, इसमें क्या था कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, ये सब, इन सब में क्या था, डिक्लाइन था एग्रीकल्चर सेक्टर का, ठीक है। ये बेसिकली मद्रास प्रेसिडेंसी के पार्ट थे, किसके पार्ट थे, मद्रास प्रेसिडेंसी के पार्ट थे, है ना। इसमें क्या था, डिक्लाइन था डिपेंडेंस ऑन द वर्कफोर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, वाइल इनमें क्या था, इंक्रीज था किसका, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का। वाइल जो अदर कंट्रीज थी, जैसे अदर स्टेट्स थी, जैसे उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, इसमें इसमें जो है इंक्रीज हुआ था किसमें, ये थोड़ा गलत लिखा है, डिक्लाइन इन डिपेंडेंस नहीं, इसमें आएगा यहाँ पे इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। मतलब ज़्यादा डिपेंडेंट थे ये लोग, ज़्यादा डिपेंडेंट थे किसी ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, ठीक है। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये पढ़ लेना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया था, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्रिटिशर्स ने रोड्स बनाई थी, ठीक है, वेदर रोड्स बनाई थी इन लोगों ने। वेदर रोड्स क्यों बनाई, मॉडर्न रोड्स बना दी थी, क्योंकि जो इनका ट्रांसपोर्टेशन था वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था, उसके कारण इन लोगों ने खुद के बेनिफिट के लिए बनाई थी वेदर रोड्स, लेकिन ये हमें भी कहीं ना कहीं बेनिफिट करगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जिसमें जिसके कारण ब्रिटिशर्स ने हमें बेनिफिट किया, सो उन्होंने कंस्ट्रक्शन करा था रोड्स का, उन्होंने रेलवेज इंट्रोड्यूस कर दिया था, ऑल्सो उन्होंने एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट इंट्रोड्यूस कर दिया था, फिर डेवलप कर दिया था इनलैंड ट्रेड और सी लेन्स को, ठीक है, पोर्ट्स बना दिए थे डिफरेंट डिफरेंट, और ऑल्सो इन लोगों ने पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। तो अब एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। रोड्स कर दिए थे, शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स थी, तो यहाँ पे इन्होंने वेदर रोड्स बना दी थी। फिर रेलवेज इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था 1850 में इन्होंने रेलवेज इंट्रोड्यूस कर दिया था, और फर्स्ट रेलवे ब्रिज जो था बॉम्बे में थाने वो 1854 में, ठीक है, 1854 है। नाउ इट रिमूव दी ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स एंड प्रमोटेड दी कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट हमारा इजीली हो पा रहा था। 1932 में क्या एयर टाटा एयरलाइंस इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, ठीक है। देन कम्युनिकेशन भी हमारा इजीली हो पा रहा था, कैसे, कोस्ट टेलीग्राफ्स वर मोस्ट फेमस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन्होंने इंट्रोड्यूस करे, विच हेल्प इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, और कोस्टल सर्विसेज इनएडुकेट थी बेसिकली, ज़्यादा यू नो हेल्प नहीं करा इनने ज़्यादा कोस्टल सर्विसेज थे, और जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वगैरह थे, ये जो सारी चीज़ें थी ये बहुत अच्छा था कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, ठीक है। और जो पोस्टल सर्विसेज थी,
ठीक है, ये यूज़फुल थी पब्लिक पर्पज़ के लिए, लेकिन फिर भी इनएडिकेट रह गई थी. क्या रह गई थी? इनएडिकेट रह गई थी. ये है पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल. ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है. इन्होंने क्या कर दिया था, सेल्फ सफिशियंसी थी फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के कारण, ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन इन्होंने बना दिया, एग्रीकल्चर रेलवेज बना दिया, रोड्स बना दिए. देन इन लोगों ने हमारी कंट्री को मार्केट में सेटअप होना सिखाया. क्या सिखाया? मार्केट में सेटअप होना, ठीक है. मॉनेटरी इकोनॉमी में कन्वर्ट करा हमारी कंट्री को, ठीक है. फॉरेन ट्रेड शुरू करवाई, राइट, है ना, सही बात है. और ये है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इसमें इसमें आपकी कुछ तीन तरह की इकोनॉमी है, सॉरी, इसमें आपकी कुछ कितने तरह की है, 5 या 6 तरह की है. हाँ, 6 तरह की इकोनॉमी देखने को मिलेगी इसमें आपको, जो कि कॉलोनियल इकोनॉमी आपकी काम की है. इसके बाद अलावा बाकी जो है वो छोड़ देना, स्टैगनेंट मर लेना बस, ये क्योंकि स्टैगनेंट वर्ड आपके बीच में आएगा. तो स्टैगनेंट इकोनॉमी वो होती है जो कि बहुत ज़्यादा कम ग्रोथ से आगे बढ़ती है, ठीक है ना. बैकवर्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें बहुत ज़्यादा कम प्रोडक्टिविटी होती है. डिप्लीटेड इकोनॉमी वो होती है